प्रदूषण से पर्यावरण बिगड़ता है। हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण जीवन के लिए, जिंदगी के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन, जन्म और उसकी मृत्यु, इन सब के लिए वो जिम्मेवार बनता है। सभी प्रदूषणों की जो जड़ है, उस जड़ में हमें ऐसी शक्ति भरनी है, जो शक्ति, जैसे यदि पूरे वृक्ष को जल पहुंचाना है, जिसमें हर पत्ते में पहुंचे, हर डाली में पहुंचे, उसके थुड़ में पहुंचे, फल में पहुंचे, फूलों में पहुंचे, हर जगह पहुंचे, तो उसके लिए क्या करना पड़े? हम सिर्फ पत्तों के ऊपर पानी को छिड़केंगे तो उससे कोई सारा वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता। अगर हमें वृक्ष को हरा भरा रखना है, उसकी उम्र लंबी करनी है और हमें अच्छे फल, फूल और उससे प्राप्ति चाहिए, तो हमें क्या करना पड़े? उसके मूल में हमको जल शक्ति देनी पड़े। प्राकृतिक वस्तुओं को हम जितनी शुद्ध रखेंगे, उतना हमारा जन्म, जीवन, आयुष्य और मृत्यु भी शुद्ध, लंबा और स्वस्थ रहेगा। तो पर्यावरण और प्रदूषण हमें यही कहता है कि हम ऐसी कोई भूल न करें जिसको दूषण कहा जाए, जिस दूषण से प्रदूषण उत्पन्न हो। अर्थात जाने अनजाने हम कोई भी मन, वचन और कर्म से ऐसा कर्म न करें, कार्य न करें, जिस कार्य से हम जाने अनजाने भूल कर बैठे और वह भूल की सजा न सिर्फ व्यक्तिगत एक व्यक्ति भुगते, लेकिन उसकी सजा उसके परिवार को भुगतनी पड़े, समाज को भुगतनी पड़े, राज्य को भुगतनी पड़े, इतना ही नहीं लेकिन पूरे देश को भुगतनी पड़े, इतना ही नहीं परंतु पूरे विश्व के अंदर वह प्रदूषण ऐसे छा जाए जो अभियान पर अभियान करने की आवश्यकता पड़ जाए। प्रदूषण क्यों होता है? प्रदूषण कई भूलों से होता है। भूलें क्यों होती हैं? क्योंकि भूलों का ज्ञान नहीं होता। भूलों को जाने अनजाने क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान से वंचित है। तो हमें पहले उसका ज्ञान चाहिए। ज्ञान के साथ साथ हमें शक्ति भी चाहिए। कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो हम अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें, सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए, हम अस्वच्छता न करें, हम अस्वच्छता न फैलाएं, जहाँ तहाँ हम कचरा न फेंके, इन सभी प्रदूषणों की जो जड़ है वो है मानसिक, बौद्धिक और संस्कारों का प्रदूषण, जिसको हम हमारी असली संस्कृति का प्रदूषण कह सकते हैं। तो हम अपने स्वभाव पर अटेंशन दें, हम अपना स्वभाव ऐसा बनाएं जो हमसे भूल न हो। हमारे स्वभाव के अंदर सदा वह बातें याद रहे जो मैंने बुद्धि में नॉलेज के रूप में समा के रखी है। बुद्धि मेरी कभी भी भूले नहीं उन बातों को, वो स्मृति मन को दिलाए, स्वभाव को दिलाए, और फिर मन और बुद्धि के सामंजस्य से जो हम कर्म करेंगे, आदत के रूप में, संस्कार के रूप में या कर्म के रूप में, कार्य के रूप में, वह एक
बार बार कर्म करने से संस्कृति का रूप बनती है। जैसे हम स्वच्छता रोज रखेंगे तो स्वच्छता का संस्कार पड़ेगा, कहने में आएगा कि हमारी खानदान की ये संस्कृति है। ऐसे ही हम हर बात को याद रखें ताकि समय पर हमें हमारी सही सत्य बात याद आ जाए, तो यह भी एक हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसी प्रकार हमारे नियमित कर्म, सुबह उठना, जाग करके जो भी हमें नीति नियम विधि स्नान तक करनी पड़ती है वो रेगुलर करना, उसके साथ साथ भोजन आदि पर ध्यान देना, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देना, और उसके लिए जो करने योग्य है, जो पेय पदार्थ खाने योग्य है, जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य है, पेय पदार्थ पीने योग्य है, हम उन्हीं को ग्रहण करें। तो कर भला हो भला कैसे करेंगे? प्रदूषण से स्वयं को बचाएंगे और दूसरों को भी बचने की प्रेरणा देंगे। ओम शांति।